गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। और मेरा नाम है सार्वेंद्र और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और यहाँ पे आप मेरी मैनिपुलेशंस देखते हैं। और आज मैं इसका ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ जो पिक्सआर्ट के अंदर है और सेम टू सेम एज फोटोशॉप में भी अवेलेबल होगा, जो जस्ट इस वीडियो के पीछे ही है। आप थोड़ा सा स्किप करके अगर आपको फोटोशॉप वर्जन देखना है तो आप वो देख सकते हैं, अगर पिक्सआर्ट वर्जन देखना है तो आप इसे देख सकते हैं। और मेरी पोस्ट को जरूर लाइक करें। और यहाँ यार 7000 लाइक होने वाले हैं, आप सब क्या कर रहे हो यार, जल्दी से इसे लाइक करो और जल्दी से 7000 क्रॉस कराओ। और यहाँ पे 25000 फॉलोवर होने वाले हैं, जैसे ही फॉलोवर हो जाएंगे PEC 6 की डेट अनाउंस हो जाएगी, सो ये भी जल्दी करो ब्रो। सारे बंदे जल्दी से पिक्सआर्ट में जंप करते हैं और जिनको फोटोशॉप देखना है वो आगे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक्सआर्ट के अंदर जंप कर जाता हूँ और यहाँ मैं स्क्रीन रोटेशन ऑन कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे स्किप का बटन दबाया और यहाँ से मैं अपना सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूँ, BG लोड कर देता हूँ। BG यहाँ पे बहुत सिंपल है, इस बार मैंने अच्छे से क्रिएट कर रखा है, कोई पंगा नहीं है। और ये पहले भी BG यूज़ कर रखा हूँ, अगर किसी पे हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, सेम ही है, जस्ट इसमें रॉक नए ऐड करें हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड फोटो में आना है आपको और यहाँ से ऐड करना है। इस बार मैंने अपनी फ़ोटो को ब्लैक नहीं कर रखा है, जैसे मैं पिछली बार हर फोटो में कर लेता था पहले से। इस बार मैं ब्लैक आपको करके बताऊंगा कि कैसे करना होता है यहाँ से, यार बहुत सिंपल होता है, आप सबको पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ से बस एडजस्ट में आना होता है और डाउन करना होता है और देखना होता है कि आपकी जो ब्राइटनेस है वो बैकग्राउंड की ब्राइटनेस से मैच होनी चाहिए, जस्ट इतनी। और यहाँ से अगर कॉन्ट्रास्ट, जैसे ब्लैक ज़्यादा दिख रहा है तो आपको कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना होता है और थोड़ा सा बस 4 या -14 या -10 तक लाना होता है। और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। और यहाँ से इसमें से मैं सैचुरेशन भी थोड़ी सी निकाल लेता हूँ, क्योंकि सैचुरेशन की वजह से भी कभी कभी ब्लेंड नहीं होता है। यहाँ इस बार अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चलो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें यार, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ एक ट्यूटोरियल बनाने के लिए, और इस बार तो बहुत ज़्यादा करी है कि दोनों ट्यूटोरियल इकट्ठे डाल रहा हूँ मैं। यहाँ से ऐड फोटो में आता हूँ मैं जल्दी से, और यहाँ जो मुझे ऐड करने हैं वो इस टाइम ऐड करने हैं ये। तो ये तो जस्ट PNG है, आपको ये डालना तो बहुत ईजिली आता होगा। और ये सब सेम है फोटोशॉप और इसमें, क्योंकि ये PNG थी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैंने इसमें ज़्यादातर PNG की हेल्प ले रखी है, अगर किसी को लगे कि हाँ ये है वो है तो नहीं यार, इस बार PNG मैंने ज़्यादा यूज़ कर रखी हैं, जस्ट क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे PNG, फिर मैं बना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कटिंग वटिंग में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कटिंग भी सीखनी है तो आप फोटोशॉप का ट्यूटोरियल देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत ईजिली से होता है। और यहाँ से आपको आना है और इसमें करना है ओवरले, और जैसे ही आप ओवरले कर देंगे तो यहाँ परफेक्ट हो जाएगा। और एडजस्टमेंट में जाके सेचुरेशन से आपको कर देना है डाउन यहाँ पे, तो जैसे ही आप डाउन करोगे वहाँ देखो वो कलर कितना अच्छे से बैठ गया है, परफेक्ट। और यहाँ से थोड़ी सी मैं इससे ब्राइटनेस भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ऑड दिख रहा है। और यहाँ से लगना चाहिए मार्क हैं, ठीक है, और टिक कर देना यहाँ पे, और ये नोज़ पे मार्क आ गए हैं। और यहाँ से अब मुझे ऐड करना है फेस पे, फेस के बाद ये ऐड होंगे। सबसे पहले मैं ये ऐड कर लेता हूँ। एक कटिंग्स हैं जॉम्बीज के चेहरों की, जहाँ जहाँ से मुझे चाहिए थी तो मैंने वहाँ वहाँ से पिक कर रखी है। और यहाँ ऐसे रखूँगा और इसको मैं एडजस्ट में जाके जस्ट नहीं, एडजस्ट में नहीं जाऊँगा मैं, इसके शायद इसी में गया हूँ मैं। और यहाँ से ब्लेंड मोड ओवरले ही परफेक्ट वर्क करता है। और फिर एडजस्ट में आना है और यहाँ से सैचुरेशन फिर गायब करनी है। सैचुरेशन क्यों मैं बार बार गायब कर रहा हूँ, कि वो स्किन टोन से मैच हो जाए, बस एक यही इसका मेन रूल है। और यहाँ शेडो के साथ भी लिटिल बिट प्ले कर सकते हैं आप, उसे अच्छा ब्लेंड देने के लिए। और उसके बाद फिर अब बड़े वाला मार्क जो नेक पे था मेरे, तो यार ये सब बहुत ही इजी चीज़ें हैं, आपको आ जानी चाहिए थी अभी तक।
ब्लेंड मोड और ओवरले, और यहाँ ये पक्का हो ही चुका है। सो वहाँ वो मार्क कितने अच्छे दिख रहे हैं आप देख सकते हैं। अब ज़्यादा काम नहीं रह गया है, जल्दी से आ जाता हूँ मैं। इसमें ड्रैगन ऐड करना है और फिर उसके बाद बस वो चेन बहुत ही मुश्किल से ढूंढनी पड़ती है, हर चीज़ ढूंढनी पड़ती है चेन के लिए, परफेक्ट फिटिंग वाली चेन ढूंढनी पड़ती है। तो यार इसमें थोड़ा टाइम लगता है मुझे। तो यहाँ देख सकते हैं परफेक्टली फिट हो गई है चेन, वैसे मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं भी थी भी। ऐड फोटो पे आने का, और फिर अब ड्रैगन बचा है लास्टली ऐड करने के लिए। तो ड्रैगन को यहाँ मैंने थोड़ा कंधे पे बिठा रखा था और ये बस इस पे। सो ये हो गया परफेक्ट अच्छे से। अब इसमें जो चीज़ें रह गई हैं वो देख लेता हूँ मैं एक बार। ऐड फोटो में हेज़ रह गई है, हेज़ डाल देता हूँ, इससे ब्लेंड अच्छा हो जाता है फोटो और उसमें बैकग्राउंड फोरग्राउंड में। राइट हे गाइस, अगर आपने फोटोशॉप का वर्जन देख रहे हो तो यार आपका मोस्ट वेलकम है। और सबसे पहली बात, बहुत टाइम बाद फोटोशॉप का ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, क्योंकि लोग सपोर्ट करते नहीं है फोटोशॉप के ट्यूटोरियल्स को। अराउंड मैंने पहले भी डाले हैं तो 100 व्यू 200 व्यू आ रहे थे। सो इसलिए मैंने फोटोशॉप स्टॉप कर रखा था, कुछ डालता नहीं था उस पर। और रिसेंट में भी डाले थे ट्यूटोरियल्स, उन पर भी व्यूज नहीं थे। और जस्ट अभी इस पर एम करता हूँ मैं, जस्ट 500 लाइक्स का। अगर आते हैं तो फिर मैं ऐसे ही दोनों ट्यूटोरियल एक साथ बनाया करूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 या 2 दिन का, लेकिन मैं दोनों ट्यूटोरियल्स अवेलेबल कर दूंगा आपके लिए। सो जो मेरा अभी का जो कंसेप्ट है तो वो तो सिंपल वाला है, लाइक जोम्बी वाला है, जो आपने देखा है स्टार्टिंग में मैंने दिखा रखा है। सो वही है, और जस्ट यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सो ये बीजी है, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये बीजी नहीं बनाना आता तो यार कोई टफ टीडियस टास्क नहीं है, इस पर कुछ नहीं कर रखा है यार मैंने। लाइक मैं एक गाइड लेयर एक्टिव कर देता हूँ जिससे मैं आपको समझाता रहूँगा इसके अंदर। लाइक ये जो आप देख रहे हो, ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई छोटा सा, और ये ये जो आप यहाँ ये देख रहे हो, ये वाली चीज़, और ये ओरिजिनल बीजी है, ये डेवियन आर्ट से आप निकाल सकते हो। और ये नेट से पीएनजीज ले रखी है मैंने, ठीक है। तो ये आपको स्टोन लिखोगे तो आ जाएगी, पीएनजीज कोई इतनी टफ नहीं है। और फिर दोनों की सेचुरेशन डाउन कर सकते हो और आप एक जैसे मिल जाएंगे वो। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी सी चीज़ में। और कटिंग मैं नहीं बताऊंगा इस बार भी। सो बहुत सारा वर्क है यहाँ पे कटिंग का, तो रेयरली यार, क्योंकि कटिंग में कुछ होता नहीं है, सही से समझ में नहीं आता और बनता भी नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कर रखा है। और अगर आपको कटिंग सीखनी है तो यहाँ से आप पेन टूल ले सकते हैं। पेन टूल से आपको सिलेक्शन बहुत इजी इजी करना होता है, लाइक यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए लाइक ऐसे पूरा, फिर राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करना और 0.5 का फैदर रेडियस रखना और हिट ओके कर देना, और वो सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से मास्क पे क्लिक कर देना तो वो अलग हो जाएगा सिलेक्शन पूरा, ठीक है। एक शॉर्ट टिप में बताया है, बहुत जल्दी बताया है मैंने, ठीक है। और इजी है यार, इतना कट करना मुश्किल नहीं होता। तो यहाँ क्लिप करते हैं, बाकी बातें छोड़ते हैं। यहाँ ह्यू सेचुरेशन मिल जाता है, अगर आपका ऐसा नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप फोटोग्राफी टैब पे क्लिक करेंगे आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके इसके ऊपर ले आए, और फिर यहाँ से अब आपको यहाँ मैचिंग दिखाता हूँ कि मैचिंग कैसे होती है। तो ये आप देख सकते हैं स्किन टोन कितने ब्राइट हैं और मेरे जैकेट कैसी है। सो यहाँ से सेचुरेशन तो मैं डाउन कर दी है, लेकिन इतनी भी नहीं डाउन करूँगा कि मेरी स्किन कलर ही खो जाए, ठीक है। तो लाइटनेस यहाँ डाउन करूँगा, लाइटनेस आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक हाइलाइटेड पॉइंट लूँगा मैं, जैसे इस इमेज का कोई सा भी है, जैसे ये है और ये है, तो अराउंड मैच करके देखूँगा। अब मैं दूर का व्यू रखूँ तो कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। जस्ट सिंपल आंखों से अंदाज़ा आप लगा सकते हो, ठीक है। तो फ़र्क देख सकते हो आप कितना फ़र्क पड़ गया है, अगर नहीं दिख रहा तो जूम करके देख लो ये, ठीक है, इतना ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करते हैं नई चीज़। तो नई चीज़ें यहाँ पे हैं, वो सारी सेम है, जैसे पिक्सआर्ट में जो आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं। इसमें कोई वो नहीं है, अलग नहीं है, क्या है क्या नहीं है। सो
जो मार्क्स होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पिक्सआर्ट में अच्छे से ब्लेंड नहीं होते हैं ये मार्क्स, और अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊँ तो थोड़े बहुत हो जाते हैं, थोड़े बहुत नहीं हो पाते हैं। लाइक उनका टफ टीडियस प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और यहाँ आईब्रोज के अराउंड पे ये रखता हूँ मैं। और ये जो मार्क होते हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे मैं बताता हूँ। लाइक जैसे अब आप जोम्बीज लिखोगे इंटरनेट पे और इमेजेस में कहीं पे भी चले जाओ आप, लाइक जैसे ये है जोम्बीज की स्पेलिंग गलत हो गई है थोड़ी सी, लाइक कोई सी भी आपको, जैसे ये जोम्बी है ठीक है, या ये जोम्बी है, कोई भी जोम्बी आपको मिल जाए ठीक है, सेव कर लो उसकी इमेज को। लाइक मैं बढ़ावा नहीं दे रहा लेकिन बता रहा हूँ कैसे होता है। जस्ट आप यहाँ ऐसे ड्रैग करें ठीक है, उसके बाद जूम आउट करें और फिर जो भी आपको चाहिए होगा यहाँ से ये लेसर टूल सेलेक्ट करना और यहाँ से लेयर वाया कॉपी और वो पुराने वाले को डिलीट कर देना ठीक है, और फिर वी प्रेस करके यहाँ पे अब आपको ये मार्क दिख रहा होगा ठीक है, और जस्ट हार्ड लाइट पे आ जाना, हार्ड लाइट जो भी आपको लगे, लेकिन हार्ड लाइट बेटर होता है ब्लेंड में ठीक है। अभी तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन अभी थोड़ी देर में नहीं लगेगा। लाइक फिर सेचुरेशन से डाउन और फिर लाइटनेस से आप अपने स्किन टोन के बराबर मैच कर सकते हो इसे ठीक है। फिर जब ऐसे मैच हो जाए फिर उसके बाद आपने यहाँ पे मास्क करना है और फिर जस्ट लाइक धीरे 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 ब्लेंड आउट कर देनी है सारी चीज़ें। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा मार्क मैं कैसे क्रिएट करता हूँ, और इतना ही है यार, और ये सारे मार्क ऐसे ही बना रखे हैं मैंने ठीक है। तो इसमें आ जाता हूँ मैं जल्दी से अपने, और इसमें हार्ड लाइट पे आ जाता हूँ। हार्ड लाइट से आप देख सकते हैं कितना अच्छा वहाँ पे वो आ गया, और फिर ह्यू सैचुरेशन दोबारा ऑल्ट दबा के क्लिप कर सकते हैं ठीक है। अगर क्लिप का ऑप्शन नहीं आ रहा हो तो इससे भी कर सकते हैं आप क्लिप ठीक है, और यहाँ से डाउन और थोड़ी सी कलर आई, इससे वो स्किन टोन मैच परफेक्ट, यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड मैच हो गया, और थोड़ा सैचुरेशन और डाउन, तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना अच्छे से। और पिक्सआर्ट में यही चीज़ जल्दी से ब्लेंड नहीं हो पाई थी मेरे से, वो थोड़ा सा 10-20 ऊपर नीचे हो जाता है पिक्सआर्ट और इनके केसेस में। और ऐसे ही ये सारी PNGs भी हैं जो इम्पोर्ट होनी है ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं कटिंग कर रखी है मैंने, कटिंग करके ही सारी चीज़ें अचीव हो रखी हैं इसमें, कोई वैसे नहीं है कि मैं अपने घर से बना के लेके आता हूँ ये सारी चीज़ें ठीक है। और यहाँ से आप हार्ड लाइट फिर से सेलेक्ट करना, हार्ड लाइट पिक्सआर्ट में अवेलेबल नहीं होता है सो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे करा जाता है। और अब पंखे चल गए हैं मेरे कंप्यूटर के, एक बोलने वाला है बस अभी। सो इतना परफेक्ट ब्लेंड लग रहा है ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मार्क है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये फेस के यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पे आप वो डालें और मास्क, और फिर यहाँ से रिमूव कर दें इजिली। कभी टेंशन मत लिया करो कि नहीं हो रहा ब्लेंड, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो यार थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ ब्लेंड होने में, ये नहीं है कि परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है एक ही बारी में। सो यहाँ देख सकते हो हार्ड लाइट से कितना अच्छा ग्लो और वो ब्लेंड आ रहा है। बाकी पिक्सआर्ट में होता है थोड़ा बहुत लेकिन इतना भी नहीं होता, उसमें गिनती के 4-5 ब्लेंडिंग मोड दे रखे हैं, उसमें क्या समझोगे अगर यहाँ तक नहीं आए तो ठीक है। आप देख सकते हो वो रियलिज्म कितना लग रहा है यहाँ पे ठीक है। अब जो प्रॉब्लम मेरे को लग रही है वो है स्किन और ये इसमें डार्क में, तो यहाँ से थोड़ा सा अप कर देता हूँ मैं अपने इसको, तो अब थोड़ी अच्छी लग रही है। और अब उसके बाद सिंपल है, बर्ड्स का तो कोई पंगा ही नहीं है, बर्ड्स सिंपल है, वो एक तरफ आया कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें ठीक है। मार्क्स हो गए हैं आपके, अब ड्रैगन इंपोर्ट करता हूँ और चेन मेन जो है, इनके बिना तो कुछ आएगा ही नहीं आपको। सो चेन क्रिएट करना मैं खुद बता दूंगा आपको कि अपने हाथ से कैसे चेन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये समझो आप ड्रैगन,
कि ड्रैगन को कैसे ड्रॉ वो करें, मतलब शेडो क्रिएट करें इसकी अपने लिए। ठीक है, यहाँ तो बिठा दिया, लेकिन अब ब्लेंडिंग के लिए यहाँ भी देखना पड़ता है नीचे पैरों में कैसे ब्लेंड होगा कैसे नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें भी बताता हूँ मैं। और जस्ट यहाँ से आपको एक नया लेयर लेना है, ठीक है, ब्रश और फ्लो रखें थोड़ा 4 या 5 का, और ब्रश कर दें बहुत ही छोटा। थोड़ा यहाँ और ज़्यादा कर देता हूँ मैं, और से एक ऑफ ट्यूटोरियल जल्दी जल्दी। तो आप देख सकते हैं वहाँ, अगर पिन शेडो के दिखाऊं तो कैसा फर्क पड़ता है। तो आप समझ रहे होंगे कि यार यहाँ शेडोज की कितनी जरूरत होती है, और यही लोग छोड़ देते हैं चीजों को। देख सकते हैं अब अच्छे से ब्लेंड हो गया है, और वहाँ शेडो की वजह से कितना फर्क पड़ा है आप देख सकते हैं। फिर आता है चेन की बारी। चेन सिंपल ड्रॉ है, कोई वो नहीं है अजीब सी, और इसे रखना था मैंने ड्रैगन के हाथ में। सो ड्रैगन के हाथ में पहुंच तो चुकी है, लेकिन अब वहां से भी मास्क करना था मुझे थोड़ा सा, मतलब उसके नेल के वहां से निकालना था जस्ट हल्का सा। मास्क आउट कर दो ब्रश से थोड़ा सा, तो इतना हो जाता है। जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ से आपने आना है, इसमें स्टैम्प लेयर करना है, शिफ्ट ऑल्ट कमांड या कंट्रोल ई दबा के, फिर आपको घुस जाना है डायरेक्ट अपने कैमरा रॉ फिल्टर में। कैमरा रॉ फिल्टर में आपने यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर लेना है, या आपको जैसी टोन चाहिए, लाइक मैं स्टार्टअप लेता हूँ यहाँ से ब्लू टोन से, और मेरा सिंपल वाला जो भी है प्रीसेट कहाँ गया, कैलेंस क्लाउड। तो ये ग्रुप के अंदर है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें ये प्रीसेट पहले से गिवन है। ठीक है, इसमें जस्ट ब्लू को थोड़ा और डार्क करना है, और ये जस्ट फैंटेसी कलर क्रिएट हो जाता है अच्छे से। और कई सोचते हैं कि यार ये पीएनजी नहीं क्रिएट हो पा रही है मेरी, ऐसे ये नहीं हो रही है वो नहीं हो रही है, तो जो है वो सब ऐसे ही क्रिएट होता है। और यहाँ से थोड़ा सा ह्यू सैचुरेशन को इधर ले जाके, एंड फ्रो चेक करते हैं। और फिर उसके बाद हाइलाइट से आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं, ग्रीन कलर अचीव कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में मैं बहुत बार ग्रीन कलर और मैजेंटा कलर अचीव करता हूँ। और यहाँ से आपने डालना है हाईलाइट वाला, थोड़ा कम ही रहेगा, लाइक इतना ही सही है। और फिर यहाँ से ये पिंक जा रही है चीज़, तो इसे पिंक से इधर लेके आना है, क्योंकि स्किन टोन खराब हो रही थी पहले, आप देख सकते हैं स्किन, और अब तो फर्क पता चल गया होगा आपको कि मैं क्यों कह रहा था। और जस्ट यहाँ पे ये डन हो गया है, और कलर ग्रेडिंग सेम टू सेम वैसे ही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है बस। उसके बाद आपने ब्राइटनेस क्लिक करनी है और ऑटो कॉन्ट्रास्ट क्लिक करना है, कि इससे आपको पता चल जाए आपकी फ़ोटो में क्या चीज़ रह गई है। तो ऑटो कॉन्ट्रास्ट में 70 का ब्राइटनेस आया, और कॉन्ट्रास्ट आई है आपकी इतने की, तो एक फिजिबल रेंज तक आप उसे डिक्रीज करें, लाइक इतना इतना सही लग रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही था, लाइक 40 to 42 सही है। और फिर टिक कर दें, और लाइक स्प्लिटिंग से जाके ब्लैक से हटा दें वो चीज़, और वाइट में रहने दें।
सो इससे आपको कॉन्ट्रास्टी लुक और बेटर लुक अचीव हो जाएगी। सो थैंक यू गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और चैनल को जरूर लाइक एंड सपोर्ट करें। और पहली बात, फोटोशॉप का ट्यूटोरियल है, एम 500 लाइक्स का है, जल्दी से पूरा कर दो। लाइक का बटन प्रेस करो और सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस करो, पिछली बार की तरह नहीं कि सब्सक्राइब के बटन को लाइक कर दो, ठीक है, उससे अनसब्सक्राइब हो जाता है। सो थैंक यू गाइज।